हेलो एंड वेलकम ऑल, दिस इज लर्निंग लोकस और प्रस्तुत है कॉमन एरर्स का लेक्चर। हमारे समक्ष सेंटेंस है, हेमा डज नॉट ब्रेक इट नॉर लिव इट। हेमा डज नॉट ब्रेक इट नॉर लिव इट, ये सेंटेंस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉट के साथ नॉर का प्रयोग किया गया है, जो नहीं होता है। नॉट के साथ हम और का प्रयोग करते हैं। आप जानते भी हैं कि नीदर के साथ नॉर का प्रयोग करते हैं, इसलिए नॉट के साथ आएगा और। हेमा डज नॉट ब्रेक इट और लिव इट, हेमा इसे नहीं तोड़ती है या नहीं छोड़ती है। हेमा इसे नहीं तोड़ती है या नहीं छोड़ती है, हिंदी हो गया। दूसरा सेंटेंस है, आई हैव नेवर स्पोकन नॉर रिटन टू मीरा। अब नेवर के साथ फिर यहाँ यूज कर दिया नॉर, नीदर के साथ ही होता है, इसलिए नेवर के साथ होता है और, नॉट के साथ भी और नेवर के साथ भी और होता है। और यही है रूल कि और का प्रयोग करते हैं नॉट और नेवर के साथ। हमने नॉर का प्रयोग कर दिया था, गलती किया था। अब नेक्स्ट रूल है, मीट मी बिटवीन 10 और 12। आप जानते हैं बिटवीन के बाद एंड आता है और नहीं आता है, सो सेंटेंस होगा मीट मी बिटवीन 10 और 12, नॉट और एंड होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, बोथ राम एज वेल एज मीरा वर प्रेजेंट। बोथ भी लिखा है और एज वेल एज भी लिखा है, इनमें से किसी एक को हटना है और क्या होगा, बोथ राम एंड मीरा वर प्रेजेंट। अच्छा है, ऐसे हो जाएगा राम एज वेल एज मीरा was present, as well as करेंगे तो राम के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें आया एंड का प्रयोग करते हैं बोथ के बाद और बिटवीन के बाद। तो देखिए यहाँ बोथ है, तो बोथ के बाद हमने प्रयोग किया है एंड का, और ऐसे ही यहाँ पर बिटवीन है तो बिटवीन के बाद प्रयोग किया है एंड का। यही रूल है कि बोथ अगर सेंटेंस में है तो आपको दो तो रहेंगे ही, राम और मीरा जैसे कुछ, एंड का प्रयोग करना पड़ेगा। और बिटवीन भी जानते हैं दो के लिए होता है प्रयोग, तो एंड के पहले भी कुछ रहेगा और उसी तरीका का दूसरा भी रहेगा एंड। तो बिटवीन और बोथ के साथ एंड का यूज होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट रूल, मीरा प्लेज पियानो। तो यहाँ पे है गलती, प्लेज के साथ पियानो के पहले द लगता है। मेरा प्लेज द पियानो, मेरा प्लेज द पियानो। नेक्स्ट रूल ऐसा ही कुछ है, हेमा लर्न्स अ गिटार। सो लर्न के साथ जो आर्टिकल लगता है वह होता है द, और नहीं होता है, हेमा लर्न्स द गिटार। देखिए रूल मिलेगा आपको, देखिए अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ वर्ब का प्रयोग हुआ है अगर लर्न लाइक प्ले, LLP वर्ब का प्रयोग हुआ है, लर्न लाइक प्ले वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हमें लगाना होता है आर्टिकल THE। देखिए पहले में प्ले हुआ है, दूसरे में लर्न हुआ है, LLP लर्न लाइक, लाइक वाला सेंटेंस यूज नहीं किया है, तो ये ध्यान रखना है, यह रूल है। आगे द मैन इज मोर्टल, यहाँ पे द नहीं होता है और सेंटेंस होगा मैन इज मोर्टल। देन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, नेचर के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, मैन के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो हो जाएगा एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर का पहले जो द था वो हट जाएगा तो केवल नेचर बचेगा। और भी देखिए चार वर्ड है, मैन नेचर याद हो गया, दो तो यूज किया, मैनकाइंड सोसाइटी कोड कहेंगे MMNS। इन वर्ड्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद मैन, मैनकाइंड, मैन मतलब मानव, मैनकाइंड मतलब मानवता या मानवीयता, नेचर मतलब प्रकृति और सोसाइटी में समाज, MMNS राइट। तो यही हमारे रूल्स थे आज के लेक्चर के, थैंक यू वेरी मच।